हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसा रकम बढ़िया हो गया? मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज तुम्हारा भाई उठा थोड़ा जल्दी 2 बजे। तो बेसिकली आज सुबह उठा, ठीक है, मम्मी ने बढ़िया दाल चावल तरुआ बना रखा था। तरुआ जिसको नहीं पता, मैंने पहले भी बता रखा ब्लॉग में, लाइक जैसे वेजिटेबल्स होते हैं ना, आलू उनको ऐसे बेसन में लपेट के फिर उनको ऐसे शैलो फ्राई किया जाता है, क्रिस्पी। और लाजवाब दाल चावल, और वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है दुनिया में। वो खाने को मिल जाए उसके बाद जो नींद आती है, वो अप्रतिम। मराठी निकल रहा है मेरे से खा के, सोचो। श्रीलंक ले आए खाने में कुछ मीठा हो जाए। अब पुराने गाने सुन रहे थे, मैंने वो वाला सुना, क्या है गाना? हाँ, देखा है खाब तो सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियान तो फासले हुए। मतलब मैं बहुत देर सुन रहा था, गाना ख़त्म होने वाला था, लास्ट के कुछ फ्रेजेस पे था, तो मैं ऐसे गा रहा हूँ एकदम से मेरे माइंड में हिट हुआ ये लाइन कि देखा है खाब तो सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियान तो फासले हुए। मतलब कौन लिखता था भाई ये? हु वाज द राइटर? कौन था इतना गंभीर लिखने वाला? आज डेट में तो भाई मैं, अगर जिसको नहीं समझ में आया ना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लाइन है, फूल भी हो दरमियान तो फासले हुए, यानी कि तेरे और मेरे बीच में अगर फूल भी है, फूल का पत्ता भी है ना साला, तो भी वो मेरे लिए एक डिस्टेंस है। आई वॉन्ट दिस मच क्लोजनेस विथ यू। सोच रहे हो मतलब क्या सोच के लिखा होगा? और गाने में बहुत नॉर्मल लगता है, इतना नॉर्मल लगता है कि बहुत नॉर्मल हो, जैसे कुछ बोला ही ना हो, एकदम से हिट है। मेरे गूज़बम्स आ गए, फक क्या लिखा है भाई साहब, क्या लिखा है। मतलब पापा लोग कहते हैं ना कि गाने हमारे ज़माने में होते थे, ये बात सच है भाई, गाने तो उसी ज़माने में होते थे। अभी तो चलो भाई अजय सिंह ने थोड़ा संभाल रखा है मार्केट, तो क्या ही होता। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन, और मेरे साथ मेरी हसीन मम्मी है जिनको लेके हम निकले हैं बाहर। तो था सैटरडे का दिन, लास्ट सैटरडे भी मम्मी जा नहीं पाई थी, तो इस सैटरडे लेके जा रहे हैं मम्मी को घूमने। कहाँ जा रहे हो मम्मी? गोलगप्पे खाएंगे, नारियल पानी पियेंगे, घूमी करने जा रहे हैं। घूमी करने जा रहे हैं। बाहर का मौसम तो देख ही लो भाई, इतना प्यारा हो रहा है, मतलब ओफो रखा पड़ा है। गाइस ये गोप्रो वाली क्लिप, रोड वाली क्लिप देख के बहुत जोर से मोटो ब्लॉगिंग आ रही है यार, क्या बताऊँ गाइस, मैं क्या बताऊँ। मोटो ब्लॉगिंग करने का इतना मन है यार, इतना मन है। सेटअप उसका बहुत महंगा आता है यार, लेना पड़ेगा धीरे धीरे करके। फिलहाल तो कल हमारी बैटरी आने वाली है गोप्रो की, एक्स्ट्रा बैटरी, तो टोटल हमारे पास 4 बैटरी हो जाएगी अब गोप्रो की। अब फुल ऑन ट्रैवल ड्राइवर भी मार सकते हैं, विद इन दिल्ली भी हम कहीं जा सकते हैं। एक स्लिंग बैग लेना है, वेस्ट बैग होता है कैसे वो लेना है, उसमें डालो बैटरी निकल जाओ। स्वीटी हाँ मस्करी कर रहा है। हाँ ठीक है। और यार ये कटवा दे, पता व्लॉग में देखियो तो ऐसा लग रहा है वो रोमन एम्पायर का सोल्जर लग रहा है इसके। ये ना हाँ यहाँ सेट आऊँगा, चलो काट ले, सेट कर ले कुछ ढंग से, कर ले इसका, भैया पागल हो जाएंगे। नहीं नहीं भैया को प्रैक्टिस है। एक आटे का जो तीखा है, एक आटे का जो मीठा है, सूजी का जो तीखा है, एक सूजी का जो मीठा है। ये ऐसे ऐसे अजीब अजीब सी कैटेगरी इनको सुनने को मिल रही है हम चारों से, उसके अलावा इतने कस्टमर और हैं। ठीक है भैया, कह रहे इतना ही पढ़, इतना ही याद करना होता तो पढ़ लिख ना लेता मैं। अरे बात बताऊँ, बात क्या आपको मम्मी का रही, इसी दिखाता हूँ मैं। 100 रुपये का CNG चला के 40 रुपये का वो खाने आते हैं गोलगप्पे, देख रहे हो। शौक बड़ी चीज़ है गाइस, रजनीगंधा वालों को मम्मी को करना चाहिए अप्रोच, है ना। और कुछ क्यों नहीं खाया आप? गर्मी है बेटा, बारिश जैसा मौसम होता है, हवा चलो ना ऐसे मौसम में, देखो गाइस कितना प्यारा मौसम हुआ पड़ा है, ऐसे में हवा चलनी चाहिए। सब कभी पसीना हो रहा है, देखना हवा चले तो थोड़ा बेटर हो जाए, कुछ खाने का भी मन करे। इसलिए ठंडी इज़ द बेस्ट, ठंड में भाई साहब कुछ भी खा सकते हो, कितना भी खा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाम देखो गाइस, जाम दुखी हो जाता हूँ जाम में, ये पता नहीं क्यों लगता है। कोई रोड के साइड में गाड़ी खड़ी करके गया होगा, उसी चक्कर में जाम लगा हुआ, लिख के दे रहा हूँ ये बात गारंटी के साथ पक्का। लोगों के मन में चैन नहीं है आज के डेट में, शांति नाम की चीज़ नहीं है। ऐसी बात चली यूट्यूब वगैरह की, तो मैं कहता कि जैसे एल्विश भाई हो गए, हर्ष भाई वगैरह हो गए, भुवन भैया हो गए, उन सबको देख के ऐसा लगता है कुछ बड़ा करते हैं ना, तरक्की टाइप। जैसे भी भुवन भैया का वो आया था, क्या कहते हैं, वेब सीरीज, लगता है कोई घर का ही बंदा है जो तरक्की कर रहा है, क्योंकि उनको हमने उस मुकाम से देखा है, उस लेवल पे देखा है जब वो कुछ नहीं थे और आज बहुत कुछ है, तो ऐसा लगता है कोई घर का ही बंदा हो, बहुत बढ़िया है। मतलब अलग सी फील आती है, कोई अपना जैसा कोई ग्रोथ कर रहा हो, ऐसी फील आता है उनको देख के। तो मम्मी को कहता मम्मी मैं भी बिग बॉस जाऊँगा, तो मम्मी कहती मैं भी आऊँगी पीछे पीछे से, क्या बोलते हैं कहती मैं भी आऊँगी पीछे पीछे, अकेला चलो करते हुए, अकेला चलो मत करना, अकेला चलो वालों की बहुत बेइज्जती हुई थी, नॉर्मल आना। फिलहाल तो मालूम नगर से आ गए थे अपने ना, ठीक है, हमारे दो हॉकर्स है, बहुत नेक्स्ट लेवल वो बनाता है चाइनीज़ के, वो बहुत सही है, चिल्ली पटाटो वगैरह बहुत स्वाद होता है। तो वहाँ पर जाम भीड़ था, तो हमसे यहीं से ले लेंगे, यहाँ से घर निकल जाएंगे सीधा। तो मैं आपको कैसा लग रहा है 150 रुपये का सीन चला के 40 रुपये गोलगप्पे खा के? 2 गोलगप्पे खाया गया, सो भी ऐसे लग रहा है छाती पर अटका हुआ है और मन भर
घबराहट सी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। गाइस अगर आपको भूख लगी है, पेट खा लिया, तो आप अच्छे से कुछ खाओ ना। अब इनका क्या है, ये थोड़ा सा खा लेंगे फिर नहीं खाएंगे, अब फिर इनके पेट में गैस बनने लग जाती है। उम्र हो गई आपकी, बाल भी सफेद हो गए, बाल गर करके रखा करो यार, ऐसा बूढ़े बूढ़े से अच्छे लगते हैं मेरे को। है अभी तो मेरे उम्र को लोग नहीं हुआ। ओहो, बॉलीवुड से कंपेयर मत करो खुद को। वैसे मुझे बेटा का शादी करना है। पहले दी की शादी होगी कि मेरी होगी? अब इतना बोल रहे तो कोई नहीं, पहले मैं ही कर लूँगा। आप जिद कर रहे हो इसीलिए, वरना नहीं, समझ रहे हो। फिलहाल हम कर रहे हैं हमारे नूडल का वेट, नूडल बन के आता है, कराते हैं पैक और निकलते हैं घर के लिए। बहुत गर्मी लग रही है यार। यह ना आदमी, ये हर जगह जलील करता है मेरे को। ये पहले खेलने के लिए बुलाएगा कि आजा पबजी खेलते हैं, जब आऊँगा तो इसके सारे दोस्त आ रहे थे, चार स्क्वाड पूरा हो जाता है, तो मेरे को क्या कहता क्या, तो चार बंदे पूरे हो गए। मतलब एक टाइम था कि मेरा स्क्वाड हुआ करता था, फालतू नहीं क्या, मेरा स्क्वाड हुआ करता था भाई। तूने भी कई बार ऐसे किया जब समीर भी आ जाते थे। अरे चुप रहे यार। भाई मैं, समीर, अमन, अल्ताफ, हम खेला करते थे, हमारा स्क्वाड था, ठीक है। उसके बावजूद भी इसके लिए मैं जगह बनवाता था जबरदस्ती, सोच रहे हो। और इसको हर बारी, कभी मैंने इसको डिच नहीं किया कि बुलाया खिलाया ना, नहीं, एज तक पुश करवाया इसको मैंने। आज ये जो है मेरी वजह से है, रोड से उठा के स्टार बनाया मैंने इसको, और तू मेरे को धोखा देता। और गाइस नया लुक तो देखो भाई का, बढ़िया लग रहा हूँ, साइड क्लीन है, तो फ्लैश ऑन करके मुंह दिखा दे तेरा अच्छे से। अब आ रहा ना देखो गाइस, रुक जा, हाँ अब देखो, ये देख रहे हो। अरे बस कर यार, सलमान खान वाली दाढ़ी रखी है ना, लेटेस्ट वाली उधर। ये पहले खुद कहता है बढ़िया लग रहा है, फिर बाद में खुद ही बेइज्जती करता है। बेइज्जती नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, राइट फ्रेम दिखा, मुंह पे लाइट जला के कौन सा तारीफ कर रहा है तू। अरे अच्छे से आ रहा है ना फीचर्स तेरे फेस के। आपका आई कॉन्टेक्ट गलत नहीं है, आपको बताया गया आपका आई कॉन्टेक्ट गलत है। तो गाइस मैं कर रहा था ये वाला व्लॉग एडिट अपना, मतलब जो कल आप देखने को मिलेगा। तो याद आया, अरे आज वाला तो व्लॉग एंड ही नहीं करा गाइस, लोग को बाय बाय नहीं बोला, तो इसीलिए मैं आया तुम्हारा भाई बाय बाय बोलने के लिए। तो आज के व्लॉग को करते हैं एंड। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नए तो बिना सब्सक्राइब के मत जाना। थैंक्स वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपसे मिलेंगे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय 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 बाय।